أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। पी टी आई के कवर के अंदर छुपे हुए कुछ लोग जिनको मेरे खातम नबीयीन कहने से तकलीफ होती है, नीचे आके बहुत ज़्यादा गालियाँ बकते हैं। बाहर वो पीटीआई के इशू होते हैं लेकिन डाका ना उनका कोई और है। हम आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आपका बैरून मुल्क डाका ना भी हमें मालूम है और अंदरून मुल्क भी मालूम है, हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो बेहतर है ना किया करें, वरना फिर हम भी आपका सारे जो डाटा है या सारी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक करना शुरू कर देंगे। और कुछ नहीं करेंगे, पब्लिक करना शुरू कर देंगे, नथू का सा लेके। और मेरा मतलब है कि सारी जगह फिर पब्लिक करेंगे, फिर आपको बहुत तकलीफ होनी है। तो इसलिए बेहतर है ये गालम गलोज का सिलसिला रोक दें। ये मैंने कहा शुरू करने से पहले एक चेतावनी दे दी जाए। आज एक दूसरा वाक्य है जी, पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को या जैसा भी है उनको मुतासर करने के लिए उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई, क्योंकि इन्होंने इन इंतखाबात के अंदर दुनिया की बदतरीन धांधली की थी और खैबर पख्तूनख्वा उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी की गई बदअमालियों को छुपाने के लिए इन्होंने फौरन इलेक्शन के अंदर धांधली का शोर मचा दिया, क्योंकि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआयन ही उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो वो जब इन्होंने ये वाला काम किया तो फिर नतीजे के तौर पे उन्होंने अपनी बहुत सारी सरमायाकारी इसमें झोंकी। ये जो मैंने एक और व्लॉग के अंदर भी अर्ज़ किया, ये जो बहुत सारे लोग जिन्होंने शौकत खानम कैंसर के नाम के ऊपर जिन्होंने सदकात ज़कात खैरात दिए और चंदे दिए, अमेरिका में तो ख़ास तौर पर और यूरोप में अमूमी तौर पर वो शौकत खानम कैंसर की तरफ नहीं आए, वहाँ पे लॉबिंग फर्म हायर की गई। अच्छा, वो लॉबिंग फर्म कोई नतीजा निकाल लेती तो चले, फिर भी काबिले कबूल था। वो लॉबिंग फर्म नाकाम हो गई, आईएमएफ की डील लुकवाने में भी नाकाम हो गई, और जो अमरीकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना था, जो कांग्रेसमैन के परों के परे जो थे, वफूद के वफूद जो थे, जिन्होंने ख़त लिखना था हुकूमत पाकिस्तान को या अमेरिका को कहना था कि वह हुकूमत पाकिस्तान को नई हुकूमत को तस्लीम ना करे और उन्हें कहे कि जनाब पीटीआई ने चूंकि 190 सीटें जीत ली हैं, जीत ली हैं, इन्होंने मोया मर गया ना वज जीत ली हैं, लेकिन जीत ली हैं, इसलिए वो 190 सीटें उनकी पूरी करके दे इलेक्शन कमीशन, वरना अमेरिका जो है वह हुकूमत पाकिस्तान से डील ना करे। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, मतलब अजीब ही गल हो गई कि जनाब कांग्रेसमैन ने खत लिखा अमरीकी हुकूमत को कि अमरीकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को मजबूर करे कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बगैर किसी मजीद गिनती के और बगैर किसी मजीद शुमार के पीटीआई को 190 सीटें पूरी करके दे और बाद सीटों के ऊपर जो रिकाउंटिंग हो रही है वो बंद करे, क्योंकि हम मजीद सीटें लूट करते जा रहे, 190 सीटें पूरियाँ करके दे। यार कमाल नहीं हो गया वैसे ईमान से? आप सोचें, कोई भी बुनियादी अकल का शख्स इस तरह का कोई मुतालबा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मैंने आपको अर्ज किया ना कि ओवरसीज यूथिया जो होता है वो जहालत के अंदर मुकामी यूथिये से 20,000 नूरी साल आगे चलता है। तो आप जरा ख्वाहिशात तो देखें ना उनकी। फिर इन्होंने एक लॉबिंग शुरू की, लॉबिंग ये हुई कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाए और उसे कहा जाए कि वो अपना तलब कहाँ किया जाए, जो कमेटी होती है उनकी, कायमा कमेटी जो होती है उनकी कांग्रेस की, लॉबिंग करके ये अच्छा हासिल किया कि कांग्रेस की कायमा कमेटी ने अपनी एक सब कमेटी को कहा, जैली कमेटी को, कि यार ये डोनाल्ड लू को तलब करके पूछो कि ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन किस तरह करवाए जा सकते हैं। तो डोनाल्ड लू साहब जी तशरीफ लाए और डोनाल्ड लू साहब ने भांडा ही मुंडा कर दिता।
ठीक है। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री बयान की जी, और 20 मार्च को पेश हो के उन्होंने एक हिस्ट्री बयान की, और हिस्ट्री बयान करके उन्होंने सब यहाँ पे इससे लिखा कि जी 30 साल पहले जब मैं मुतवय्यन था तो उस वक्त मैं पेशावर में था, और पेशावर में लो इलेक्शन हुए थे, तो उन इलेक्शन के अंदर लोगों ने जूक दर जूक और धड़ा धड़ आके इंतखाबात में वोट डाले थे, हालांकि तखरीबकारी का ख़तरा था और तखरीबकारी हुई भी, लेकिन उन्होंने आके वोट डाले थे। यहाँ से वो शुरू करता है, आखिर में वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के इंतखाबी अमल होता है, ये इंतखाबात भी उसके ऐन मुताबिक थे, और जितनी कि उस इंतखाबी अमल के अंदर हैंकी फेंकी हो सकती है, इनमें भी उतनी ही हैंकी फेंकी हुई है। तो लिहाजा अब हम जो है ना पूछने के मजाज नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम आगे चल पड़ा है, और हमारा अगरचे हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके बहुत सारे शोबों को हमने रेस्क्यू किया है, हमने उनको पिछले दिनों रेलवे इंजन बेचे हैं 40 या 56 के करीब, और ये वो रेलवे इंजन हैं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और सबसे कम डीजल खाते हैं, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान रेलवे खड़ी हुई है, वरना पाकिस्तान रेलवे कोलैप्स कर जाती। इसके अलावा हमने बहुत सारे सोशल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के लोगों को रेस्क्यू किया है, उन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये बात कहना कि हम पाकिस्तान को दबाव में लाकर उसको इस तरह की किसी हरकत पे मजबूर कर सकते हैं, जबकि उनका सिस्टम, उनका निज़ाम अपनी रूटीन के मुताबिक काम करते हुए ऐसे चल रहा है, तो ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है, और ये परले दर्जे की हमाकत है। यानी कि पीटीआई ने उन कांग्रेसमैन की भी बेइज्जती करवा दी जे जिन्होंने ये खत लिखा था, उसने कहा कि हम किस तरह पाकिस्तान को ये बात कह सकते हैं। और पहली तो बात ये है कि हमारे कहने की बुनियाद क्या होगी, कि हमारे पास क्या सबूत हैं इस बात के कि इन इंतखाबात के अंदर वही दो नंबरी हुई है या वही धांधली हुई है जो कि आप या आपके वोटर्स यानी कि यूथर्ड यानी कि ओवरसीज यूथर्स जो कि जहालत के अंदर 20,000 नूरी साल पाकिस्तानी यूथर्ड से एडवांस में चलते हैं, उनके पास क्या सॉलिड एविडेंस है महज खदशात की बुनियाद के ऊपर और महज उनके जहन के अंदर मौजूद बेबुनियाद ख्यालात की बुनियाद के ऊपर, तो नहीं कुछ कहा जा सकता। अब ये वो मुकाम है जिसको कहते हैं कि बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है, बल्कि जेडे नाल गए सन उन्हां दी भी बेइज्जती करवा दिती है। तो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने लॉबिंग के ऊपर लगाई थी कि हम कांग्रेस मैनों से बयान दिलवाएंगे, और वो कांग्रेस मैनों के बयान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इनके एजेंट सहाफ़ी जो हैं उसे अमरीकी हकूमत का बयान कह के पाकिस्तान पे हकूमत करने वाले केयर टेकर वज़रा से और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछेंगे कि जी अमरीका ये कहता है। अगर मैं होता ना अनवारुल हक काकड़ की जगह, और मैं अनवारुल हक काकड़ को कह के आया था ज़ाती तौर पर मिल के, मैं क्या ए जनाब ने की चवल मारी, वो कह रहा जी अमरीकी हुकूमत ने कहा, अमरीकी हुकूमत ने कहा कहा है, वो कांग्रेसमैन ने इनफरादी तौर पे कहा है। क्यों? क्योंकि उसको अप्रोच किया उसके वोटर ने, वोटर कौन थे? यूथर थे। उन्होंने कहा कि यार ये बयान दें आप, बड़ी जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा मैं बयान दे देना, बयान देने से की अर्ज लिया की बयान देना, उन्होंने बयान लेके तन जारी कर दिया। ये उसका जाती बयान है, इस बयान से अमरीकी हकूमत की मौजूदा पॉलिसी का कुछ नहीं लेना। अमरीकी हकूमत की मौजूदा पॉलिसी जो है वो या तो वाइट हाउस का तर्जमान बयान करेगा या दफ्तर खारजा का तर्जमान बयान करेगा, मैथ्यू मिलर।
और दफ्तर खारजा का तर्जुमान जो है उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे पाकिस्तान के अंदर जारी इंतखाबी अमल के हवाले से किसी शक व शकूक का इजहार किया गया हो। तो अगर उन्होंने कोई बात नहीं कही तो हम क्यों अड्डियाँ चुक चुक के फा लेने की कोशिश करें। आप उस रिपोर्टर को शट अप कॉल दें और उसे कहें कि भाई ये उन सेनेटर साहब की या उन कांग्रेसमैन साहब की ज़ाती ख्यालात हैं और मैं इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जब वो हकूमती बयान आएगा तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दफ्तर खारजा ने भी यही हमाकत फरमाई, मैं तो उसकी तर्जमान जो हैं खातून मोहतरम बलोच साहिबा उनको तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि औरत कार्ड निकल आएगा। वैसे भी सुना है बड़ी ये एरोगेंट हैं, ये जो होते हैं ना ख़ासतौर पर छोटे सूबों का कार्ड इस्तेमाल करके ना डोमिसाइल इस्तेमाल करके ऊपर आते हैं, ये जब आला औरतों पर पहुँचते हैं तो एरोगेंट्स बहुत होती हैं इनमें, बाज तो बड़े हम्बल होते हैं हैं, हाँ बाज़ तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं लेकिन बाज़ बहुत ही एरोगेंट हो जाते हैं। और ये जो बलोच साहिबा हैं ये भी इसी तरह की है। माई तेनू कह दी अगो सवाल लैन की लड़ ही की उन्होंने कहो जी ऑफिशियली नहीं कहा गया, ये उनके कांग्रेसमैन ने अपना ज़ाती ख्याल का इजहार किया है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। बस ये हमारे मामलों के अंदर मुदाखलत है। मैं नहीं पिछले ब्लॉग दे यूथिया तलिया अज एक ठीक है तो आप भी तले। बहरहाल हम तो इसकी निशानदेही करते रहते हैं, बाकी जो मजाज याद में आए आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहें, आपका मुल्क है, आप जिस तरह मर्ज़ी खेलें। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।